क्या आप 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं और क्या आपको ये जानकारी है कि मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी, तो आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25 फरवरी से शुरू होकर 29 मार्च तक ये परीक्षाएँ आयोजित होंगी। लोकमत के नोटिस बोर्ड पर आप पूरा परीक्षा कार्यक्रम जान सकते हैं। एमपी में बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा फरवरी से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश में साल 2025 के लिए हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएँ 25 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। परीक्षा कार्यक्रम के साथ प्रैक्टिकल कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। रेगुलर स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 फरवरी से 15 मार्च तक, जबकि प्राइवेट छात्रों के 27 फरवरी से 25 मार्च तक होंगे। 12वीं बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम पर नजर डालें तो 25 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का होगा, 28 फरवरी को अंग्रेजी, 1 मार्च को उर्दू मराठी, 4 मार्च को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशेस का पेपर होगा, 5 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी, 6 मार्च को ड्राइंग एंड डिजाइन, 7 मार्च को भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, 8 मार्च को बायोलॉजी, 10 मार्च को मनोविज्ञान का पेपर होगा, 11 मार्च को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, 12 मार्च को संस्कृत, 17 मार्च को रसायन शास्त्र इतिहास, 20 मार्च को समाजशास्त्र, 22 मार्च को कृषि होम साइंस कला समूह, 24 मार्च को राजनीति शास्त्र, 25 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसी तरीके से 10वीं के परीक्षा कार्यक्रम पर नज़र डालें तो 27 फरवरी को हिंदी, 28 फरवरी को उर्दू, 1 मार्च को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 मार्च को अंग्रेजी, 5 मार्च को मराठी भाषाई पेपर होंगे, 6 मार्च को संस्कृत, 10 मार्च को गणित, 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 19 मार्च को विज्ञान विषय का पेपर होगा। मध्य प्रदेश में पिछले साल की तरह ही इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी से होकर मार्च पर खत्म होंगी। यदि बोर्ड एग्जाम से जुड़ा कोई सवाल या कमेंट्स आपका हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। लेकिन आप बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।